नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। खंडवा जिले में मॉनसून से पहले बदलाव आने लगा है। जिला मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर की परिधि से जुड़े सिंगोट बेल्ट में विगत दिवस तेज हवा, आंधी और बारिश के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए, वहीं कई कच्चे मकानों की छत भी उड़ गई। बुधवार शाम 5:30 बजे के करीब अचानक चली तेज हवा, आंधी के चलते आसपास से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही का आलम नजर आया। इसके चलते विद्युत प्रवाह भी प्रभावित रहने की वजह से ग्रामीणों को पूरी रात अंधेरे का सामना करना पड़ा। पेड़ों के होने के चलते सिंगोट नेपानगर मार्ग भी बाधित रहा, जिससे राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करते देखा गया। अरे तो फिर कह रहा जरा भाई आओ ना, पूरे हमारे इधर के तरफ भरी भरी इसके लल्लू के आगे देख, टॉप पे तो नहीं गिरा रहा बाबू। ठेला भी देख, अरे मशीन भी पूरी गई ना, वो भी गया रे। खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट।